हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। मैं हूँ प्रीति। आज मैं आपके ऐसी समस्या के बारे में कहने वाली हूँ जो अक्सर सबके साथ हो ही जाती है या होती रहती है। आप मेरे बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे और मैं आपको इसका सलूशन देने वाली हूँ। तो आप बस मेरे वीडियो को देखिए और देखते रहिए, पूरा देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जैसे 20+ या 30+ में अक्सर 20+ में एक्ने प्रॉब्लम, 30+ में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम एंड 40+ में रिंकल की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो उसको जड़ से मिटाने के लिए धीरे धीरे ही, तो मैं उस समस्या का समाधान आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आप इसको देखिए, क्या होता है कि जब कोई प्रॉब्लम लंबी होती है ना, 5 साल हो गए उसको, 4 साल हो गए उसको, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने हो गए, आपने उस प्रॉब्लम को फेस करा। लेकिन जब किसी समस्या का सलूशन मिलता है तो लोग थोड़ा पेशेंस खो देते हैं। उसको नहीं खोने का है। जब इतना लंबा प्रॉब्लम जो आपने इतने लंबे समय तक तो उसको फेस किया, तो उसको ख़त्म होने में भी कुछ थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए आप मेरे पे विश्वास करिए, मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आपका धीरे 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 जा करके वो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम फेसेस नहीं करने पड़ेगी। तो आइए चलिए बात करते हैं अपने रेमेडी पे। सबसे पहले आपको मतलब कि ये करना होगा कि नाइट रूटीन जो होती है ना, उसको आपको अच्छे से अपनाना होगा, उसको फॉलो करना होगा। फॉलो करने के लिए आप अपने चेहरे को किसी चीज़ से, साबुन से धो लेते हैं या सोप से धो लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको अपने चेहरे धोने के लिए हमेशा नीम और एलो का ही फेस वॉश को इस्तेमाल करना है। उसमें नीम और एलो वाला रहता है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, हिमालय हो गया, नेचर्स हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिसको आप अपने लाइफ में, अपने नाइट रूटीन में ला सकते हैं। आप उसको फेस को वॉश करने के बाद में आपको इस्तेमाल करना होगा टोनर। अपने चेहरे को पोंछने के बाद में मैं रेकमेंड करूँगी डाबर का गुलाबरी। गुलाबरी में सबसे अच्छी बात है कि ये आपके ओपन पोर्स की समस्या को भी बंद कर देता है और एक्ने की प्रॉब्लम को धीरे धीरे ख़त्म कर देता और फेस पे ग्लो लाने का भी काम करता है। इस समस्या को आपको इसी से कम होगा। आप इसको डे में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी इसको आप डाबर गुलाबरी को अगर आप नाइट में लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। डे में लगाने के लिए इतना अच्छे से नहीं करेगा, लेकिन नाइट में इसको आप ये वाला यूज़ करें। जब इसको आप लगा लेंगे ना, तो इसके बाद फिर आप एलोवेरा और ऑलिव ऑयल, इन दोनों को मिक्स करना है। मैं मतलब अभी कर नहीं रही, दिखा रही हूँ आपको कि इसको हाथ में थोड़ा सा लेना, पिंच ऑफ जितना आपके चेहरे को रिकमेंड हो। और आप ये ऑलिव ऑयल फिग्रो का है मेरे पास, आपके पास जो भी ऑलिव ऑयल होगा आप उसको ला सकते हैं अपने यूज में। तो इन दोनों को मिक्स करके देन पहले आपने डाबर गुलाबरी को टोनर के रूप में इस्तेमाल किया, देन सीरम के रूप में आप इसको चेहरे से अपनी मसाज करेंगे। और मसाज थोड़ा अपने हथेली वाले जो हिस्से होते हैं ना, इनसे इससे आपको ऐसे ऐसे ऊपर उठा के ऐसे ऐसे करना है। इन दोनों को मिक्स करके कम से कम, मैं तो कहूँगी 4 मिनट तक तो आराम से मसाज करिए अपने चेहरे को, क्योंकि मसाज कभी आपके चेहरे के लिए मतलब हार्मफुल नहीं होता है। इसको अच्छे से करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे कि मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मॉइस्चराइजर के लिए आप कोई सा भी नाइट में मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप अयूर का ले लें, निविया का ले लें, या जो आपको मतलब लगता है कि मुझे सूट कर रहा है, इससे मेरे चेहरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर भी उसको यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद में अपने लिप को भी मॉइस्चराइज करना ना भूलें। लिप को मॉइस्चराइज करने, जब आप उसको भी लिप को मॉइस्चराइज कर लेंगे, इसके बाद आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नाइट क्रीम की मतलब ज़रूरत है, तो आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे तो हिसाब से वो सही है। अगर आपको अपने आईब्रोज पे रात में क्या करना है, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल को और थोड़ा सा उसको जेल ऑलिव ऑयल को मिक्स करके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे अपने आईब्रोज को, आईलेसेस को आप अपने लगा सकते हैं। आप अपने नाखूनों में भी अच्छे से इसको मसाज कर सकते हैं, इससे आपके नाखून भी लंबे होंगे और मजबूत होंगे और अच्छे से रहेंगे। नाइट में इतना काम करके रखिएगा और फिर आप देखिएगा। मुझे तो लगता है कि जिसकी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हो सकता है 15 to 20 days का मतलब कि उसमें टाइम लग सकता है, और जिसकी थोड़ी कम समस्या है तो उसके 10 days में हो सकते हैं, जिसकी उससे भी कम समस्या है तो 1 week में हो सकता है। लेकिन
जिसकी बड़ी समस्या है उसके लिए भी क्या होगा कि 1 वीक में चेहरे पे ग्लो, चमक, थोड़ा मोड़ा अंतर तो वो दिखने ही लगेगा, ऐसा कुछ उसमें मतलब नहीं होने वाला। लेकिन जब आपकी समस्या 5 साल से थी तो आप ये सोचोगे कि आज मैंने यूज करा और कल वो वर्क कर जाए मेरे चेहरे पे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप उसके लिए मतलब थोड़ा दिन का आप समय दें, पेशेंस रखें, दिल से हंसे, दिल से कोई काम करें और दिल से मुस्कुराएं, तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली मतलब कि चेहरे पे वो ग्लो करने लगेगा। इसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा सुबह उठ के पानी पीजिए और रात में जब भी सोइए मैं रिकमेंड करूँगी आप गर्म वाटर को, मतलब कि हल्का लुकवार्म वाटर को गर्म करके पी कर ही उसको सोइए। तो उससे क्या होगा कि आपके जितने भी टॉक्सिन्स है रात भर में वो बाहर सुबह के टाइम में अच्छे से वो मतलब उसको रिपेयर करेगा, उसको बाहर निकाल करके सही कर देगा। तो आप अपने रूटीन में थोड़ा पानी को थोड़ा बढ़ाइए, फल को थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा डाइट को अच्छा रखिए, तो आपके चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं, जितने भी चेहरे की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो धीरे 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 होते 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 जड़ से अंत तक में वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हाँ, थोड़ा खुश, थोड़ा मतलब पेशेंस रहना, खुश रहना, बस इतना ही कहना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सबको मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे हर चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली बार जब वीडियो लाऊंगी तो आपको अच्छे से पता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो आपको कर दीजिएगा प्लीज़। और बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।